और चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास नगर में ई रिक्शा चालकों ने चालान काटे जाने के विरोध में तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान ई रिक्शा चालकों ने तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी भी की, अपना विरोध जताया। इस मौके पर ई रिक्शा यूनियन के संचालक सुमित नेगी ने कहा कि ई रिक्शा चालकों के रूट डाइवर्ट करने से इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पिछले काफी दिनों से चल रहा है, रूट जो है इन ई रिक्शा चालकों का डाइवर्ट करा गया है, जिससे इनकी किस्तें और इनके बच्चों का पालन पोषण होना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। आज एसडीएम साहब से हमने अपील करी है, अपील समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो, हमने उनको बोला है एक हफ्ते के अंदर अंदर शासन जो आपका ट्रैफिक देख रहा है ना, और आपका जो व्यापार मंडल है और जो इनके अध्यक्ष, इनको बुला के एक अच्छी मीटिंग कराई जाए, जिससे कम से कम इनको ये हो जाए कि हमारा रूट क्या है। अभी क्या है, कोई बोल रहा है ये रूट है, कोई बोल रहा है 9 बजे से घुस सकते हो, कोई बोल रहा है 10 बजे से घुस सकते हो। मेरा कहने का मतलब है सुबह जिस समय भाड़ ना हो मार्केट में उस समय इनको चलने दिया जाए, और शाम के टाइम 1-2 घंटे जिस समय भाड़ ना हो उस समय चलने दिया जाए, और इनको कम से कम वहाँ तक जाने दिया जाए, जैसे गीता यहाँ से हडवरपुर वाले गीता भवन तक आ जाएँ और कालसी वाले रूट वाले पेट्रोल पंप तक आ जाएँ।